तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इस चैनल का नाम देख सकते हैं और 52,000 इसके सब्सक्राइबर हैं, जिसपे कि इसकी पहली वीडियो पर 32 मिलियन व्यूज भी आ चुके हैं। और दोस्तों ये वीडियो मैं जैसे प्ले करता हूं तो मैं इसके कमेंट सेक्शन में क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखिए ये जो लिंक आप देख रहे हैं कैसे इस बंदे ने इससे अर्निंग करी है। और उसके साथ में दोस्तों आप इस चैनल का नाम भी देख सकते हैं और इसमें यहाँ पर 6.9K यहाँ पर व्यू आए हैं। और दोस्तों इस बंदे ने एक गलती करी है जो आपने नहीं करनी है, और क्या यहाँ पर ये काम है यूट्यूब शॉर्ट वीडियो का, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों ये आप काम करके कुछ इस तरीके की अर्निंग बनाएंगे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्यों बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है, आप एक लिंक के जरिए काफी सारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। और कैसे बनानी है, सब क्रिएट करना आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज्यादा कुछ आपको स्पेशल इस वीडियो में देखने को मिलेगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहना और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो आज की शुरू करते हैं। स्टेप वन, तो सबसे पहले आपने यूट्यूब में चले जाना और एक कीवर्ड टाइप करना है डैश कैम शॉर्ट्स और सर्च कर देना है। और सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने ढेर सारी वीडियोज आ जाएंगी जिनपे हजारों लाखों मिलियनों में व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका बेनिफिट आपने आज की वीडियो में कैसे उठाना है, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखें इस वाली वीडियो पर इसके 32 मिलियन व्यू हैं और इस वाले चैनल को हम विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके 52,000 सब्सक्राइबर हैं, जो कि दोस्तों आज की शॉर्ट वीडियो में हमें सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, आपके 0 सब्सक्राइबर तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसकी काफी सारी वीडियो है जिसपे अच्छे खासे व्यूज भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर शॉर्ट बाय पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर को सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसकी वायरल वीडियो सबसे ज्यादा 32 मिलियन व्यू गेन करने वाली है। और सेकंड नंबर पर 4,77,000 इसके व्यू गेन किए और 63K इस वाली वीडियो पर व्यू गेन किया है। और ऐसे दोस्तों काफी सारी वीडियोस हैं जिन पे अच्छे खासे व्यूज हैं। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसके जो इस वाली वीडियो पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों इस बंदे ने काफी अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा लिया है, जो मैं आपको आज की वीडियो में कुछ अलग तरीका बताऊंगा दोस्तों, सेम नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसके कमेंट सेक्शन में अगर जाता हूँ तो कुछ इस तरीके से इस बंदे ने लिंक प्रोवाइड किया है, जो कि दोस्तों आपको अलग तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में जानने के लिए। बस वीडियो को आपने पूरी देखने एंड तक, और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को भी लाइक कर देना है। आप जैसे कि दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ये जो देख रहे हैं वो आपको वीडियो में पता लगेगा क्या चीज है ये, तो उसके लिए दोस्तों बस आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ अगला चैनल। अब जैसे कि दोस्तों ये वाला चैनल जो आप देख रहे हैं डैश कैम विट्स के नाम से, इसके 110 सब्सक्राइबर हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपको कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइबर की इतने ज्यादा, अगर आपके 0 सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, अब जैसे कि देखिए यहाँ पर इसकी इस वाली वीडियो पर 6.9K व्यू है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर ये वाली वीडियो आ जाती है। तो इसने डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड किया है वो दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से जो इस बंदे ने गलती करी है वो नहीं करनी है, तो बस आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको, आपने इस वाली वीडियो को जरूर देखनी है, और इसका आपका ये फायदा होगा कि आपको यहाँ पर काफी सारी YouTube शॉर्ट्स वीडियो चैनल बनाने के लिए मिल जाता है, तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में और तरीके बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला स्टेप क्या आता है। अगले स्टेप में दोस्तों हम बात करेंगे कंटेंट कैसे मिलेगा। दो तरीके हैं कंटेंट फाइंड करने के। सबसे पहले दोस्तों आप यूट्यूब में जाकर ये सर्च करें डैश कैम वीडियोस, तो आपको यहाँ पर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कि आप देख सकते हैं लाखों में मिलियनों में व्यूज भी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दो तरीके। सबसे पहला तरीका है यूट्यूब में जाकर आप जो है सर्च करो कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आपको वीडियोज मिलती है, जिनमें दोस्तों आप यहाँ पर अनलिमिटेड कॉन्टेंट शॉर्ट्स वीडियो का बना सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों ये चैनल है सबसे पहला जिसका नाम है डैश कैम नेशन, तो आप इस चैनल के सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं। तो इसकी जो है वीडियोज आपको देखने को मिल रही है 5,00,000-4,00,000 व्यूज इस चैनल के कंटेंट को ले सकते हैं। तो इस चैनल के कंटेंट लेने के बाद दोस्तों आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दो तरीके मैंने इसलिए बताया, एक तो आपको बना बनाया मिल जाता है और दूसरे तरीके में दोस्तों आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो भी बताऊंगा दोनों तरीके, और कैसे मोनेटाइज करनी है और कैसे अर्निंग करनी है वो भी जानने के लिए बस आपने वीडियो को एंड तक बने रहना है। और जैसे कि दोस्तों आप इसे अगर वीडियो को पसंद करते हो और आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पहला चैनल था, दूसरा चैनल है डैश कैम ओनर ऑस्ट्रेलिया, तो इसके 3,75,000 सब्सक्राइबर हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर भी कॉन्टेंट मिल जाता है, ये जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इन्हें यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों मैंने कोई एक वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट करी इस वाले चैनल की डैश कैम नेशन वाले की, 1,13,000 व्यूज है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपल इसका लिंक कॉपी करना है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला लिंक आपने कॉपी कर लेना है। ये लिंक कॉपी करने के बाद सिंपल दोस्तों आपने एक वेबसाइट पर चले जाना है y2made.is की, तो आप जैसे सर्च करोगे तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी जिसमें आपने लिंक को पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये कन्वर्ट करके दे देगा लिंक, जिसमें भी दोस्तों आप यहाँ पर करना चाहते हैं इस वीडियो को डाउनलोड तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो अगले स्टेप में दोस्तों आपने canva.com वाली वेबसाइट पर चले जाना है, यहाँ पर आप एडिटिंग करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा इजी एडिटिंग है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए टिकटॉक आपने सर्च करना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, और वो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आपने बना बनाया कंटेंट कहाँ से लेना है। और दोस्तों अगर आप बनाना चाहे तो अगर बनाने में इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है, यहाँ पर आप 15 मिनट निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर बना भी सकते हैं खुद का क्रिएट कर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पहले
अलाउ कर देनी है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, तो सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने डिलीट कर देना है सारा का सारा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका ये ब्लैंक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपने अपलोड के सेक्शन मिलेगा जिसमें कि दोस्तों आपने क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपने जो वीडियो फाइल यहाँ पर डाउनलोड करी थी वो आप यहाँ पर लेकर आओगे। तो यहाँ पर जहाँ से भी आपने करी है वो आप यहाँ पर ले आओगे। तो अब जैसे मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सिंपल यहाँ पर स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर ये वीडियो लेकर आया, जैसे कि आप देख सकते हैं 8 मिनट 7 सेकंड की वीडियो थी, और यहाँ पर भी देख सकते हैं 8 मिनट 7 सेकंड की वीडियो है। तो यहाँ पर हमें सिंपल एक क्लिप निकालना होता है, और क्लिप निकालने के बाद दोस्तों उसमें से 10 सेकंड का यहाँ पर सीन निकालना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने 10 सेकंड का सीन निकाल लेना है, इतने समझदार आप हो कि आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं प्ले करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वीडियो बनी है, जैसे कि मैं प्ले कर भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 10 सेकंड की हमारी YouTube शॉर्ट्स वीडियो बन चुकी है। बस यहाँ पर ज्यादा काम नहीं करना है दोस्तों, आप क्रिएटिविटी और दिखाना चाहते हो तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और भी। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ऐड किया है, बिल्कुल सिंपल दोस्तों। जिसे भी इंटरेस्ट होगा वो खुद जाएगा, या तो आपके डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करेगा या आपके कमेंट सेक्शन में जाकर चेक करेगा। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ये काम खत्म होने के बाद आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये था दोस्तों यहाँ पर क्रिएट करने, ये था दोस्तों क्रिएट कर यहाँ पर खुद का कंटेंट कैसे बनाए। अब दोस्तों बनाया कंटेंट आपने कैसे लगाना है, और आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो अब दोस्तों जानना चाहते, अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको बनाया कंटेंट कैसे मिलेगा। तो सिंपल दोस्तों आपने चले जाना है tiktok.com वाली वेबसाइट पर, और यहाँ पर जैसा कि हमारे इंडिया में बैन है तो आपने सेटअप वीपीएन या कोई भी एक वीपीएन को डाउनलोड करके यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर ये कीवर्ड सर्च करना है डैश कैम। तो आपके सामने काफी सारी वीडियोज आ जाएंगी जिनमें दोस्तों आपको कोई सी भी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि दोस्तों या आप उसका चैनल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक चैनल है जिसका नाम है साउथ वेस्ट यूके डैश कैम। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस चैनल का नाम है, और 12,000 इसके फॉलोअर है। तो आपको यहाँ पर अनलिमिटेड यहाँ पर कॉन्टेंट मिल जाता है जिसपे अच्छे खासे व्यूज है, तो आपके ज्यादा चांस रहेंगे कि ये वाली वीडियोस भी वायरल हो जाए आपकी यूट्यूब पर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका ये काम हो जाता है कॉन्टेंट फाइंड करने की स्ट्रेटेजी में, इसी स्ट्रेटेजी में यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो की। तो अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन के थ्रू कैसे आपने अर्निंग करनी है, यानी कि वीडियो को कैसे मोनेटाइज करना है। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल दोस्तों आपने चले जाना है अमेजोन में, और अमेजोन का एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन कर लेना है यहाँ पर, यानी कि गूगल में जाकर अमेजोन एफिलिएट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं इसमें कुछ आपको अलग बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था। तो यहाँ पर आपने अमेजोन एफिलिएट सर्च करना है, और यहाँ पर जाकर आपने जो है वो अपना अकाउंट बना लेना है। तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से ये amazon.in की वेबसाइट आ जाएगी, जिसमें कि दोस्तों कुछ इस तरीके की ये आपको देखने को मिलेगी लाइन। तो यहाँ पर आपने जैसे डैश कैम सर्च करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, डैश कैम यहाँ पर आपका जो है वीडियो का नीच है, और वही दोस्तों आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेंगे तो आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा अच्छा आएगा। और दोस्तों आप एक ही लिंक में कैसे काफी सारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था आज की वीडियो में कुछ आपको अलग बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर काफी सारे मेरे सामने वीडियो आ चुके हैं, काफी सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं जिनमें अच्छा खासा प्राइस है। तो अब यहाँ पर मुझे सिंपल इसे ओपन करके रखना है। उसके बाद दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है kit.com, तो इस वेबसाइट पर जाकर आपने साइन इन कर लेना है जो अपनी जीमेल आईडी है आपके पास उससे। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के इंटरफेस में आ जाएंगे। तो मैं जैसा कि आपको शुरुआत में ये वाली प्रोफाइल दिखाया था, तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रोफाइल में अगर आप जाओगे तो मैं इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देखिए तो इसने यहाँ पर 8 किट बनाई है। किट का मतलब एक कैटेगरी होती है। तो जैसा कि आपको दिखाता हूँ जॉर्डन हेल्थ मास्टर की ये कैटेगरी है, इसे मैं ओपन करता हूँ, इस वाली कैटेगरी को ओपन करता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपको वहां से अर्निंग मिलेगी फ्री ट्रैफिक की मदद से, और दूसरा दोस्तों अगर इस वाली वेबसाइट में रैंक करती है आपकी ये प्रोडक्ट्स तो आपको वहां से यहाँ पर अर्निंग मिलेगी। तो आपको दोनों तरफ से यहाँ पर फायदा है, इसलिए मैंने आपसे कहा था वीडियो को जो भी एंड तक देखेगा उसका काफी ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी इस वाली कैटेगरी में जैसे ही आया हूँ तो देखिए मेरे सामने काफी सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि अमेजोन के हैं, कोई वॉलमार्ट की यहाँ पर एफिलिएट ज्वाइन किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रमोट का काम चल रहा है, एक ही लिंक यानी कि दोस्तों ये वाली लिंक को ये कॉपी करेगा और प्रोवाइड कर देगा। तो आपने कैसे बनानी है अब ये जानिए। तो इसे जानने के लिए दोस्तों सिंपल दोस्तों आपने इस वाली वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा kit.com वाली वेबसाइट के अंदर प्लस का निशान, तो आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पर आपको किट बनानी है यानी कि कैटेगरी बनानी है, क्रिएट अ न्यू किट आपने सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं डैश कैम से रिलेटेड डैश कैम बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने नाम रखा है, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं जिससे दोस्तों आपकी जो है प्रोफाइल यहाँ पर रैंक होने में मदद करे। तो दोस्तों आपने वो रख लेनी है, और आप यहाँ पर हैशटैग का भी नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जैसे कि डैश कैम। तो यहाँ पर मैं डैश कैम लगाता हूँ, और उसके बाद दोस्तों और भी हैं काफी सारे, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भी
आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं इनके। अब उसके बाद दोस्तों आपने जो है यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके बटन पर क्लिक करोगे तो आपसे अब ये बोलेगा आप सर्च करो प्रोडक्ट को या दोस्तों आप यहाँ पर पेस्ट करो लिंक को। तो यहाँ पर लिंक को पेस्ट करने के लिए यानी कि आपको एफिलिएट लिंक लगाना है, तो उसके लिए दोस्तों आपने अमेजोन में जाना है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको कोई भी एक यहाँ पर जैसे कि अमेजोन की चॉइस है, सबसे ज्यादा ये वाला प्रोडक्ट बिकता है और काफी लोग लेते हैं, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जिसके दोस्तों आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है लिंक मिल जाएगा सोल्टन का। तो आपने सिंपल इसे कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी दबाकर या माउस से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉपी करने के बाद सिंपल उसी वाली वेबसाइट में चले जाना है और यहाँ पर आपने लिंक को पेस्ट कर देना है, और ये आपका जो है एफिलिएट लिंक है, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट को बाय करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। तो ये फायदा होता है दोस्तों इस वाली वेबसाइट का यूज करके। आप यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, डिस्क्रिप्शन भी आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो या आपने अब सेल लगा सकते हो। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड टू किट पर क्लिक करूंगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर चाहे तो फ्लिपकार्ट का ज्वाइन कर सकते हो, वॉलमार्ट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, अलीबाबा जो वेबसाइट है उसका यहाँ पर एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो, और वो प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वो आपकी एक कैटेगरी बनेगी और यहाँ पर भी रैंक होके अगर कोई बाय करता है तो भी आपको कमीशन मिलेगा। और दोस्तों वहां से जो ट्रैफिक मैंने आपको बताया लेकर आना है आपके यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल से, वहां से भी आपको मिलेगा। और आप देखिए यहाँ पर व्यू किट पर आपने क्लिक करना है, और जैसे आप व्यू किट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपकी ये वाली कैटेगरी आ जाएगी। तो यहाँ पर शेयर लेटर का भी ऑप्शन आ रहा है यानी कि आपका जो लिंक है वो शेयर कर सकते हो आप। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली कैटेगरी बनी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और अमेजोन का साइन आया है। तो यहाँ पर जिसे भी पसंद आएगा वो यहाँ पर क्लिक करेगा और यहाँ पर खरीद लेगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये प्रोफाइल बनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके प्रोडक्ट ऐड होंगे। तो मैंने जो आपको बताया वो तरीका आपने यूज करना है। अब देखिए ये वाली कैटेगरी आपने बनाई है अपनी प्रोफाइल के अंदर, सिंपल ये लिंक आपने कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने के बाद इसका यूज क्या करना है, और दोस्तों आप और चाहे तो और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, मैं अभी आपके सामने यहाँ पर ऐड करके नहीं दिखाने वाला, तो वो आप कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपने इस वाले लिंक को कॉपी करना है और इसी लिंक से आपको यहाँ पर अर्निंग होगी। तो मैंने जैसे बताया कि आपको यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर प्रमोट करने के लिए मिल जाते हैं, जैसे दोस्तों ये बंदा कर रहा है, ये वाली प्रोफाइल एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये डैशकैम वाला जिसमें कि दोस्तों इस बंदे ने यहाँ पर अच्छी सी प्रोफाइल लगाई है, उसके बाद अच्छा सा नाम दिया है, उसके बाद यहाँ पर अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लगाया। तो आप यहाँ पर इस प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हो, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अच्छे खासे इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड किया है जैसा कि आप देख सकते हैं फाइंड कर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कौन कौन सी वेबसाइट से जाकर ऐड किया है, अमेजोन पर भी मिल जाएगा, इन वाली वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और दोस्तों एक और तरीका बताऊंगा, फिर अभी आपको वीडियो को एंड तक देखना, एंड में बताऊंगा वो तरीका। अगर आपने वर्ल्ड वाइड अर्निंग करनी है, अगर आपकी इंडिया से सेलिंग आएगी तो ही आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा अमेजोन से। अगर दोस्तों आपको वर्ल्ड वाइड अर्निंग करनी है अमेजोन से वो भी आपको बताऊंगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर काफी सारे प्रोडक्ट है, तो आप भी कर लेना। अब उसके बाद दोस्तों आपने जो वीडियो यहाँ पर डाउनलोड करी थी यानी कि जो आपने यहाँ पर वीडियो बनाई है, तो सिंपल डाउनलोड के बटन पर डाउनलोड कर लेनी है और चले जाना है अपने यूट्यूब शॉर्ट चैनल पर। तो शॉर्ट चैनल पर जाने के बाद आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है और अपलोड कर देनी है वो वाली वीडियो। तो कुछ इस तरीके से आपकी अपलोडिंग हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपलोडिंग करने के बाद दोस्तों आपको अब टाइटल देना होगा। टाइटल देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आप सजेशन से कैसे व्यू लेकर आओगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने इडियट्स इन 30 हैशटैग को आप यहाँ पर बंद कर देंगे। अब जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर एक तरह की सीरीज भी चला सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं जिससे आपके यहाँ पर व्यूज भी ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम सबसे पहले वन लगा देते हैं, अब यहाँ पर हमारी पहली वीडियो है इडियट्स इन कार, कार के अंदर इडियट्स वाली हमने वीडियो यहाँ पर अपलोड करी है। तो उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर इन्हीं वीडियो के अंदर जहाँ से भी आप कॉन्टेंट लोगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर फायदा मिलेगा। आपको ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है खुद से, और ना दोस्तों आपने टाइटल खुद से लगाना है, सब कॉपी करना है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेना है जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। तो कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ यहाँ पर और अपने यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल में जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंटर मारता हूँ और यहाँ पर देखिए बेस्ट कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिंक लगाया। उसके बाद दोस्तों आपने जो है वो लिंक जो दोबारा से हम कॉपी करेंगे एक बार और, तो कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाएंगे फिर से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और चाहे तो दोस्तों आप बिटली से सॉर्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा लिंक देखने में। तो उसके बाद दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी थंबनेल लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि आप जीमेल आईडी क्रिएट कर लोगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे यूट्यूब शॉर्ट चैनल बनाने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना है, शो मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर से और यहाँ पर टैग फिल करने हैं। अब मैं सिंपल एक वेबसाइट है जिसका मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ जिसका नाम है रैपिड टैग।
तो दोस्तों ये वाली कीवर्ड आपने सर्च कर देना है और यहाँ पर देखिए सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी जिसमें कि दोस्तों आपने बस एक कीवर्ड सर्च करना है और आपको यहाँ पर जो है वो निकाल कर दे देगा। जैसा कि डैश कैम मैं आपको जैसे कि निकाल कर दिखा देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मेरे सामने ये कीवर्ड आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाले आप कॉपी कर सकते हो। और कॉपी करने के लिए दोस्तों सिंपल आपने आई एग्री पर क्लिक करना है और कॉपी के बटन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों आप यहाँ पर दूसरे के जो वीडियो के टैग होते हैं वो भी लगा सकते हो, उससे दोस्तों ये होगा कि आपकी जो वीडियो है सजेशन में जाने के चांस मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है ये लग चुके हैं। तो सिंपल दोस्तों हमारी ये काम खत्म तो हो चुका है, अब लेकिन लास्ट काम आता है जो कि दोस्तों मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे फिर से और यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पब्लिश कर देनी है और एक दिन में आप कितनी भी वीडियो अपलोड करो तो दोस्तों आपकी कोई ना कोई वीडियो ऐसी होगी जो वायरल भी हो जाए। तो दोस्तों आप इसे शेयर भी कर सकते हो। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि दोस्तों आप जो है इसे वर्ल्ड वाइड अमेजोन से कैसे कमा सकते हो, तो उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल दोस्तों आपने यूट्यूब में जाना है, आपने यहाँ पर सर्च करना है अमेजोन ग्लोबल लिंक, तो आपको काफी सारी जो है यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी बनाने के लिए, यानी कि जो आपका अमेजोन लिंक होता है वो आप यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाइड के लिए बना सकते हैं। 5 कंट्री में अगर आपकी सेल होती है तो भी आपको ही कमीशन मिलेगा, अगर आपकी इंडिया से सेल होगी तो ही आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा अगर आपने इस .in वाली वेबसाइट पर यहाँ पर अकाउंट बनाया है। तो दोस्तों ये फायदा होता है ग्लोबल वर्ल्ड वाइड अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बनाना। तो दोस्तों उसके लिए सिंपल आपने सबसे पहले amazon.com यानी जो .com वाली वेबसाइट है उस पर अपना अकाउंट बनाना है एक ही जीमेल आईडी से। मैं आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू दे देता हूँ कि आपने यहाँ पर .com वाली वेबसाइट पर एक जीमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट किया और वहीं दोस्तों उसके बाद आपने अलग अलग जो 5 कंट्री है उनसे यहाँ पर आपने अकाउंट बनाना है लेकिन वही सेम जीमेल आईडी से। और दोस्तों आप यहाँ पर वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई सी भी वीडियो देख लेना ये सर्च करने के बाद, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट ग्लोबली बना सकते हैं एफिलिएट का, तो आपको जब भी कमीशन मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करना और कमेंट कर मुझे बता देना। और दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में कुछ अलग तरीका बताऊंगा अर्निंग करने का, जो कि दोस्तों दूसरों के कंटेंट से आप अर्निंग बनाओगे और कैसे बनाओगे वो तरीका दोस्तों काफी ज्यादा आपको पसंद आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।